जो जिस साइकोलॉजी नफसियाती, नफसियातीजिकल हयात समाजी और इन्वॉर्मेंटल माहौल इन्फ्लुएंस मतलब असरात का मताल है जो लोगों के सोचने बरताव करने और सीखने के तरीक़े को मुतासर करता है इफ़ेक्ट मुता करते तलाश ये आखिरी आइटम खसूस तलीम के मैदान में, में बर सॉरी सोरी जबरदस्त ग्रेट डिपेट जबरदस्त बैस का मौजू रहा है जहाँ महरीन एजुकेटर्स से काबू पाने में मदद करने की कोशिश करते हैं कि अपनी कामयाबी जो ओवरकम स्टूडेंट्स ओवरकम अचीवमेंट्स जहाँ मतलब के जो एजुकेटर जो महरीन होते हैं टीचर्स वगैरह वो तलबा को कामयाबी के फर्द पर काबू पाने में मदद करने की कोशिश करते हैं उनकी हेल्प्स करते हैं कि आपने किस तरह से इस चीज़ को करना है एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ बीन ड्राइविंग फोर्स फोर्स बिहाइंड सम ग्रेटेस्ट एडवेंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन के एजुकेशन जो तली नफसियात खूशी सम ऑफ़ द ग्रेटेस्ट एडवांस खसूसी तालीम के मैदान में कुछ बड़ी पेशर के पीछे महरक रही है बाश्मल जो डिसेबल जो इंक्लूडिंग जो डिसेबल तो, इन टू जनरल एजुकेशन क्लास रूम्स के मज़ूर तलबा को अमूमी तालीम के क्लास रोज रोज़मर्रा में दोपहर आना अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से तलीमी नफ्सियात का इस्तेमाल करके आप मौजूद सॉरी मज़ूर तलबा को तलीमी कामयाबी हासिल करने में मदद के लिए किया जा सकता है स्टूडेंट साइको एजुकेशन साइकोलॉजी कैन बी यूज़ टू हेल्प कि आप किस तरह से उनको मदद कर सकते हैं डिसेबल बच्चों को अचीव एडेमिकस जो उसकी वो एडेमिक उनकी जो स्टडी है उनको अचीव करने में आप कितनी मदद कर सकते हैं बहुत ज़रूरी होता है एक आम बच्चों से स्पेशल बच्चों को पढ़ाना क्योंकि आपको हर चीज़ उनकी साइकी के मुताबिक उनके हर मूड के मुताबिक चलना पड़ता है कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट वो किस तरह से करना चाह रहे हैं वो भी क्योंकि डिसेबल बच्चों को हर तरह से आपको प्रॉपर उसका ध्यान रखना पड़ता है ठीक है वट इज़ एजुकेशन साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी ज़रूरी है साइकोलॉजी तो वैसे ज़रूरी है बट स्पेशल डिसेबल बच्चों में

ये समझ के कि लोग अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे जज बरकरार कर सकते हैं टीचिंग महर नफसियात तालीम के अमल से आगाह कर सकते हैं कि तुलबा के लिए बेहतर तालीम नतज को यकीनी में मदद कर सकते हैं चाहे उनकी एबिलिटीज़ रिसोर्स या इन्वायरमेंट इस्पेशली जो उसकी खास तौर पर उनकी एबिलिटीज़ होगी या उनकी उनकी वसा आपकी कैपेसिटी ये नज़र कता है ये ख़ास तौर पर मतलब ये हुआ वे इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट विध डिस दिस इज ये ख़ास तौर पर डेबल बच्चों के लिए के लिए अहम है जो रेस पर रेंज ऑफ इन्वॉर्मेंटल चैलेंजेस जो तरक्याती चैलेंजों के हद से मुख्तलिफ डिग्रियों तक मुतासर होते हैं क्योंकि तलीमी नफ्सियात की इबदात तो वस्तू व अटोटल ने बताया उसी से हम की जा सकती है कि लेकिन जिन पैकेट जैसे महर नफसियात भी हैं जिन्होंने तालीमी नफसियात के सबसे अहम असूलों में से एक की बुनियाद रखी थी कि इन सिर्फ़ दिया नहीं जा सकता कि साधा सिर्फ देता नहीं है और सादा को मालूम को दिलचस्प किस अंदाज में पेश कर सकते हैं आप उस चीज़ का भी तरीका बताया कि एक मालूम है एक कोई इंफॉर्मेशन है आप उसको किस तरह से सीखना है उसको किस तरह से बरकरार रखना है ये तलबा पर मुनसर है लेकिन इसका पीछे रोल टीचर का है कि टीचर ने चाइल्ड एक स्टूडेंट के अंदर कितना दिलचस्पी कितना दिलचस्प उसके इंटरेस्ट पैदा करना है कि वो उसको हासिल करने के लिए सीखने के लिए बरकरार रखने के लिए कितना लग, लगन करेगा तो ये सीखने का जो नज़रिया है इस बात पर ज़ोर देते कि तलबा सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद ही सीखने का नहीं होता उस पर प्रैक्टिकल लाइफ किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे कर सकता है उस पर कैसे अपने गोल्स अपने अचीवमेंट्स अपना फ्यूचर किस तरह से बेस्ट कर सकता है उसको कोई प्रॉब्लम्स कोई मसाइल का सामना हो रहा है तो उसे कौन सी कौन सी चीज़ों से गुजरना है और कौन सी चीज़ें उस पर लागू हैं वो किन प्रोसेस से गुजरना है उसको और कौन सी चीज़ों को देख कर मद्दनज़र रख कर उनको सोच समझ गौरव फिक्र करके अपनी मसलों से निकलना है क्योंकि टीचर सिर्फ तालीम नहीं देता टीचर पर्सनैलिटी डिवल्प करवाता है उसका इंटरेस्ट उसका फ्यूचर कि उसको कहाँ उसका इंटरेस्ट है तो वो उसके स्किल एबिलिटी उसके स्किल्स इम्प्रूव करवाते हैं क्योंकि वो किस चीज़ में माहिर हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है वे anyway, डिसेबल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिसेबल बच्चों किस चीज़ में मायर है वो क्या करना चाहते हैं डिसेबल बच्चों में अला ने कुछ ना कुछ एक हमसे ज़्यादा दी होती है एक अल्ला ने उन्हें दिया होता है नवाजा होता है तो इसलिए वो हमसे ज़्यादा उनके सोते हैं तो अब बात करते हैं द इफ़ेक्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड स्पेशल ऑन स्पेशल एजुकेशन्स के विद मतलब जो इंडिविजुअल्स विद डिबल आई डी मतलब विद डबल्स एक्ट आल चिल्ड्रन विद डबल्स आर जनेट फ्री अपोपरेट पब्लिक एजुकेशंस जो स्पेशल खसूस तालीम पर है लेकिन इंडिविजुअल डिसेबल एक्ट की दोबारा इजाज़त के साथ तमाम मजदूर बच्चों को मुफ्त मुनासिब आवामी तलीम की मतलब एक मजूर है डिसेबल है किसी चीज़ से भी तो आप उसे एक्स्ट्रा चार्ज ना करें उस पर आप मतलब तालीम मुफ्त कर दें या मुनासिब कर दें ताकि वो उसको हासिल कर सके वो भी आम बच्चों की तरह उसमें पार्टिसिपेट कर सकें वो पीछे ना रहे ठीक है वो कहते हैं विद द एडेमिक शिफ्ट जनरल एजुकेशन आ कि जो एडेमिक इंक्रीजिंग टीचिंग मिक्स ऑफ डिसबल ऑफ नॉन डिसबल्स स्टूडेंट्स आर टास्क डेट्स कम विद द ओन सेट ऑफ चैलेंज कि उसके साथ जो एडेमिक तब्दीली के साथ अमूमी तालीम के साथ साथ तेज़ी से गैर जो नहीं मज़ूर उनको भी आप सिखा रहे हो तो आप जो मजदूर बच्चे हैं उनका अलग रखें उनको एक्स्ट्रा दें बट ये ना करें कि उसको आप कुछ भी ना करें मज़दूर बच्चों को आप तवज्जो ही ना दें कि इसने पढ़ना नहीं है ये तो नहीं आपकी टीचिंग लेवल तब आप पता चलेगी कि आप डिसेबल बच्चे को कितना पढ़ा सकते हैं एक लायक बच्चा एक डिसेबल नहीं है उन्होंने और तो पढ़ सकते हैं वो कर सकते कि आप उसको कितना कर सकते हो कैसा काम जो अपने अपने चैलेंज के साथ आता है मदद के लिए तो जनरल एजुकेट ऑफ रिलियन स्पेशल एजुकेटर्स हु कैन अप्लाई अप्प्लाई नॉलेज ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टू द क्लासरूम्स एंड हेल्प प्रोवाइड द एरियल लर्निंग इन्वामेंट बात की कि अक्सर खसूसी वाली इंजहार करते हैं उन पर डिपेंड जो तलीम नफ्सियात के अपने इलम को क्लास रूम में लागू कर सकते हैं मिसाली तलीमी माहौल फराम कर मदद कर सकते हैं कि वो इसमें ऐसे इन्वायरमेंट पैदा करें कि डिसेबल बच्चा भी खुशी से दिलचस्पी से आपका क्लासरूम में आए इंटरेस्ट लेके आए कि मैंने करना, मैंने पीछे नहीं रहना उसके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो उसके बाद है द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन क्लासरूम ऑन क्लास एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ कंप्लीटली अल्टर द स्पेशल एजुकेशन लैंडस्केप के क्लास रूम पर तलीमी नफसियत का असर मतलब कितना है खसूस तलीम के मंजर नामे को मकमल तौर पर तब्दील कर दिया है स्टूडेंट्स विद डबल्स वीर फ्राम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन एजुकेटर्स ना ना टैड द मेजोरिटी विद डिसेबल्स कैन अचीव द सेम अडेमिक्टज द नान डिबल पेयर और द नीड्स ऑफ एवरी विद स्टूडें मस्ट बी अकाउंटेंट एंड देर दचीव सक्सेस के क्लासरूम्स का आप इस तरह से इम्पैक्ट बनाएं कि डिसेबल बच्चा भी uh, मतलब जहाँ कभी मजदूर तलबा को तलबा की बाकी आबादी से अलग कर दिया जाता है आमरीन तलीम जानते हैं कि मजदूर तलबा की अक्सलियत वही तलीम मैार हासिल कर सकते हैं जो उनके गैर मौज़े सॉरी नॉन डिसेबल्स स्टूडेंट्स को हासिल है कि नॉन डिसेबल्स बच्चों को स्टूडेंट्स को जितनी तालीम हासिल है उतनी ही डिसेबल बच्चों को तालीम दी जाए जितनी नॉन डिसेबल बच्चे स्टडी स्टडी कर रहे हैं जितनी वो एडामिक चीज़ों में एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं उतना ही उसी चीज़ में डिसेबल बच्चे भी को भरपूर साथ दें उनको भी उनमें शामिल करें कि वो भी इक्वल तालीम हासिल कर सके वो भी उनके पीछे ना रहें ताहम मजूरी के हामिल हर तलबा की ज़रूरत को मदद रखा चाहिए अगर वो ताली कामयाबी हासिल करना चाहे तो इसके लिए फरहम करनी चाहिए अगर उसको इंटरेस्ट है डिसेबल बच्चे को तो आप उसको पीछे ना करें उसको ये ना करें कि यह डेबल बच्चा इसने तो पढ़ना ही नहीं नहीं आप नान डिसेबल बच्चों से ज़्यादा उनको तोजो दें वो उनसे ज़्यादा बेटर भी कर सकते हैं तो आप दोनों को इक्वली इक्वली uh, ही तालीम दे इक्वली ही हाँ ठीक है उसके बाद ठीक है आजकल तो डिसेबल बच्चों को तो तालीम इक्वलिटी दी नहीं जाती तो इसलिए टीचर्स को चाहिए कि दोनों बच्चों में डिसेबल नॉन डिसेबल दोनों में इक्वलिटी हो दोनों में ही इंसाफ हो जितनी नॉन डिसेबल बच्चे को तालीम दी जा रही है ये एक, uh, एक कॉलेज लेवल स्कूल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल ये एक मैनेजमेंट इनका काम बनता है कि उनको फरहमी दें उनको मुनासिब तालीम हासिल करने की इजाज़त दें ताकि वो भी तालीम हासिल कर सकें वाट आर फोर रोल्स ऑफ साइकोलॉजी के पाँच रोल नफ्सियात के जो बड़े हैं तो फोर मेजर तो सब्जेक्ट साइकोलॉजी द डिस्क्राइब एक्सप्लेन वजाहत करना मतलब हम कोई पेश गोई करते हैं चेंज आर कंट्रोल बिहेवस डिस्क्राइब एक्सप्लें मजात करना बयान करना पेश गोई करना रवैयों को तब्दील करना या कंट्रोल करना यह सैकोलॉजी के फॉलो क्योंकि हमने किसी चीज़ के बारे में अगर कोई डिस्क्राइब करना है कुछ बताना है तो पहले हम डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में पेश गोई करेंगे कि ये चीज़ क्या है तो उसके फिर जो आप हो रहा होगा कुछ भी उनकी रवैयों में कि आपको कितना कंट्रोल करना है कितना चेंज करना है उन पर किताब काबू कर सकते हो ठीक है उसके बाद है इज एजुकेशन इज एजुकेशन साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशल नीड्स स्पेशल नीड्स तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वाइस हाँ हम इसके बारे में बात करते हैं फॉर स्पेशल नीड्स एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू द सेम अपॉर्चुनिटीज एज अदर मु कहता है कि हर बच्चे को दूसरे की तरह मौका हासिल करने का हक़ है जो अपॉर्चुनिटीज़ एक बच्चा हासिल करे उसी तरह स्पेशल बच्चा डिसेबल बच्चा स्पेशल बच्चा कोई भी हो सकता है तो उसको भी उतना ही राइट है उतना ही हक है चाहे वो जितनी मुश्किल का सामना करो डिफ़िकल्ट दे फेस स्पेशल एजुकेशन इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबल डिसबल्ड बिकास सॉरीचुनिटीज टू गेट क्वालिटी एजुकेशन इन लाइन विद एन क्यू नीड्स क्या हर बच्चे को दूसरे की तरह एवरी चाइल्ड हर दूसरे की तरह मौका हासिल करने का हक़ कह चाहो कितनी मुश्किल कितनी ही डिफिकल्ट चीज़ों को फेस कर रहा हो सीखने की मौजूदी वाले बच्चों के लिए खसूस तलीम बहुत अहमियत रखती है बहुत इंपॉर्टेंट है डिसबल बच्चों के लिए क्योंकि ये इन्हें अपनी मुनफर्द ज़रूरत के मुताबिक मईारी तालीम हासिल करने का मौक़ा फ़राम करती है क्योंकि उनको उतना ही हक है जितना नॉन डिसेबल बच्चों का राइट है उतना ही डिसेबल बच्चों का भी हक है कि वो उतनी ही तालीम हासिल कर सके जितनी वो हासिल कर रहे हैं उनको उनके दरमियान में ये ना करें कि वो डिसेबल बच्चा है तो उसे कम दी जाए क्योंकि दोनों में इंसाफ़ होना चाहिए चाहे वो डिसेबल हो या नॉन डिसेबल तो टीचर को चाहिए कि वो दोनों को इक्वल रखे एक को ज़्यादा ना दे ना दूसरे को कम के वो है उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग लेसंस अराउंड स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देर इज नो वन साइज फिट्स आल अप्रोच टू एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबल स्टिंग

अतः तो उनको स्टडी देने के लिए कोई एक साइज़ फिट नहीं करता आप उसको डिफरेंट तरह से भी स्टडी कर सकते हो स्टडी दे सकते हो उसके बाद है जो टीचर्स आ, तालीमी माहरी नफसयात के सीखे हुए इस बात जो लेसन्स को लेकर टीचर्स हदायत में फ़र्क करते हैं ताकि हर तलबा उसकी आ, स्किल से कतई नज़र सीखने का मौक़ा मिले क्या आप उसको ये ना करें कि वो बच्चा ये नहीं सीख सकता कि ये असेसमेंट्स नहीं कर सकता आप नहीं उसको दें लेकिन नहीं आप उसको दें वो करेगा आप उसको डिफरेंट तरीके से पढ़ाएं लचक जारी तक़सीस और तान के अलावा मतलब शुदा हदायत ग्रुप का काम मतलब आप उनको ग्रुप्स में कर दें अगर एक डिसेबल बच्चा है तो दूसरे न तो वो एक दूसरे के साथ उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग कितनी अटैचमेंट होगी बिल्ड होगा एक दूसरे के उसके दरमियान एक अपने क्लास वालों के साथ कि वो एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर डिसेबल बच्चा है तो वो आ, कुछ भी उसे न, मुश्किल आ रही है तो वो अगर आपने ग्रुप में उसे कर दिया तो बेहतर है कि वो उस चीज़ में आ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा उसके बाद स्टूडेंट वी डिसेबल्स एंड टॉन्ग सार्ज दे रेसीव इंडिविजुअल स्माल ग्रुप्स एंड होल क्लासेस इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द अपर्चुनिटी टू डिस्कस लेसन विद ऑफ दाई एबिलिटी के सीखने के जो नुक़ नज़र के जरिए आप तलबा पर मबनी तस्वरत एक जामा क्लास रूम में मजूर तलबा को उनकी गैर मजो साथियों के साथ पढ़ाया जाता है और उन्हें इनफरादी छोटे ग्रुप और पूरे तकब की हदायत के साथ साथ मुख्तलिफ अहलियात और दिलचस्पों के साथियों के साथ लेसन पर गुफगू करने का मौका भी मिलता है जैसे अभी कहा कि आप ग्रुप में बैठा देते हो पेयर्स में बैठा देते हो तो उनकी स्किल्स उनके प्रूव होते हैं वो उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं उनको किसी आ, किसी चीज़ जिस की आ, क्या कहते हैं इन्फोरिटी नहीं होती उसको ये नहीं होता कि हम अलग हैं हमें कुछ आ, और समझा जा रहा है हम मजदूर हैं उनके अंदर कोई क्या कहते हैं इन्फोरिटी का शिकान ना तो आप टीचर्स तालीम और तालीम ज़रूरी है डिसेबल बच्चों के लिए और टीचर्स को चाहिए कि नॉन डिसेबल बच्चे और डिसेबल बच्चे दोनों को पेयर्स में पढ़ाएँ ताकि दोनों आ, अच्छे से एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें आ, और वो जब क्योंकि उसके बाद एक बच्चे की पर्सनैलिटी डिवाल्प करता है टीचर तो वो ज़िंदगी में कोई अपना गोल्स अचीव कर रहा होता है तो वो हर चीज़ से गुजरता है तो आप उसके अंदर ये पेशेंस हर चीज़ उसी टाइम होती है कि आपको किसके साथ कैसा बर्ताव करना है तो आप शुरू से ही उनके अंदर अच्छी कैपेसिटी पैदा करें कि वो आगे जाके एक अच्छा इंसान बने और हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है अला हाफिज़